हेलो फ्रेंड्स, ये रेड बटन दबा के सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद में ये बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मेरा वीडियो जो एंड तक देखिए फ्रेंड्स। वेलकम टू माय चैनल रतन कुंवर। आज हम फ्रेंड्स कच्चे पपैये की चटनी बनाने जा रहे हैं। इसे गुजराती, ये गुजराती डिश है तो इसे गुजराती में पपैये का सांभरा कहते हैं। तो आज हम पपैये की चटनी बोल सकते हैं या पपैये का सांभरा बोल सकते हैं। और ये बनाते समय बहुत ही आसान से बन जाता है, कम इंग्रेडिएंट्स में बनाने में भी समय नहीं लगता है और ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी है। तो कच्चे पपैये का सांभरा या कच्चे पपैये की चटनी बनाने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने दो कच्चे पपैये लिए हैं। आप कप से नापेंगे तो करीब 1.5 कप के करीब ये कच्चा पपैया है, जिसका मैंने छिलका निकाल के इसे कद्दूकस कर लिया। आप देख सकते हैं, एक बात का ध्यान रखिएगा, आप कद्दूकस कर रहे हैं तो इस तरह से ये आप देख सकते हैं इसमें बीज हैं, तो ये बीज का जो पोर्शन है वो आप निकाल लीजिए। और 2 टेबलस्पून के करीब हम यहाँ पे तेल लेंगे, 1 टीस्पून के करीब यहाँ पे राई है, 1 टीस्पून के करीब यहाँ पे हल्दी पाउडर है, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिए, 1/2 टीस्पून के करीब हम यहाँ पे हींग लेंगे, 1 टीस्पून के करीब यहाँ पे जीरा है, 1 मैंने यहाँ पे साबुत लाल मिर्च ली है और 2 मैंने यहाँ पे हरी मिर्च ली है जिसे लंबा लंबा स्लाइस में काट लिया है, और 1/2 मैंने यहाँ पे नींबू लिया है। ये फ्रेंड्स कुछ चने की दाल है और कुछ उड़द की दाल है, तो करीब ये 1 टेबल स्पून के करीब ये दाल है दोनों मिक्स में। ये फ्रेंड्स ऑप्शनल है टोटली, अगर आपको पसंद है तो डालिए और आप अवॉइड भी कर सकते हैं। और ये कुछ धनिया पत्ता और कड़ी पत्ता है। तो फ्रेंड्स ये गुजराती डिश है तो गुजरात में इसे बहुत ही ज़्यादा खाया जाता है, इसमें शक्कर भी डाली जाती है। अगर आपको पसंद है तो शक्कर डालिए, मुझे शक्कर पसंद नहीं है इसलिए मैं इसमें अवॉइड करती हूँ। आप इसे अगर शक्कर डालना पसंद करते हैं तो 1 टीस्पून के करीब आप इसमें शक्कर भी ऐड कर सकते हैं। तो इसे फ्रेंड्स फाफड़ा के साथ बहुत सी डिश में इसे खाया जाता है। अब हम गैस पे एक पैन चढ़ाएंगे और उसमें हम करीब 2 टेबलस्पून के करीब हम उसमें तेल डालेंगे। तेल हमारा अच्छे से गर्म होने देना है। और हमेशा की रेफरेंस, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन दबाना मत भूलिए। और कोई भी डाउट रहेगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए मेरे साथ। मेरा वीडियो जो है एंड तक देखिए, मैं बहुत ही सरल तरीके से बताती हूँ और बहुत ही हेल्दी टेस्टी होती है। भी फ्रेंड्स घर पे आप ज़रूर एक बार ट्राई करें। तो तेल को हमें अच्छे से गर्म होने देना है। हमारा गर्म हो चुका है तो अब हम इसमें जीरा डाल देंगे, राई डाल देंगे, गैस की फ्लेम हम लो कर देंगे, राई हमारी चटक रही है। अब हम इसमें सूखी लाल मिर्च डाल देंगे साबुत, ये भी ऑप्शनल है फ्रेंड्स, अगर आप नहीं डालना चाहे तो भी चलेगा, पर इसे टेस्ट अच्छा आता है। तो अब हम इसमें कुछ कड़ी पत्ता ऐड कर देंगे, कुछ हरी मिर्ची ऐड कर देंगे और ये दालें जो हैं हमें तेल में इसे अच्छे से सुनहरा कलर आने तक फ्राई करनी है। इसे हम थोड़ा सा दाल को हमें अच्छे से फ्राई होने देना है। गैस की फ्लेम हम वापस मीडियम कर देंगे। इसका दाल का जो है सुनहरा कलर आ चुका है, तो अब जो हम इसमें कच्चा पपैया जो हमने कद्दूकस करके ग्रेट करके रखा है इसे हम ऐड कर देंगे और गैस की फ्लेम मीडियम रख के हम इसे 1 मिनट तक फ्राई होने देंगे। इसे अच्छे से चलाते हुए हमें फ्राई करना है। ये फ्रेंड्स गुजराती डिश है, मैंने बोला जैसे कि पपैया का सांभरा बोलते हैं इसे, तो इसमें ये चने की दाल और उड़द की दाल गुजरात में नहीं डालते हैं। मुझे इसमें इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है इसके लिए मैंने इसमें डाली है, ये ऑप्शनल है टोटली। तो अब हम इसमें ये जो हल्दी ऐड कर देंगे और ये हम नमक ऐड कर देंगे और इसे हम अच्छे से वापस मिक्स करते हुए पकाएंगे। इसे फ्रेंड्स आप ऐसे भी आप एक बार खा के देखिए, बहुत ही इसका टेस्ट लाजवाब होता है। इसे हम अच्छे से 1 मिनट के करीब हम इसे 1 से 2 मिनट के करीब हम इसे अच्छे से फ्राई कर देंगे। तो ये देखिए इसे करीब मैंने 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पका दिया है। तो अब हम इसमें ये नींबू का रस ऐड कर देंगे। ये फ्रेंड्स बहुत ही झटपट से बनके तैयार हो जाती है, तो ये रेसिपी ट्राई जरूर करें, बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी है। आपको पता होगा पपैया सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा हेल्पफुल है,
बहुत ही लाभदायक होता है। तो अब हमने इसमें नींबू का रस ऐड कर दिया है और इसे अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। और अब हम इसे धनिया पत्ता, गैस की फ्लेम जो है हम ऑफ कर देंगे और अब हम इसे धनिया पत्ता से गार्निश कर देंगे। तो ये हमारा गर्मा गर्म कच्चे पपैये का सांभरा बनके तैयार है। कच्चे पपैये की चटनी भी बोल सकते हैं इसे फ्रेंड्स। स्पेशली गुजरात के साथ सर्व की जाती है चटनी, तो आप जैसे रोटी के साथ आपको जिस टाइप से पसंद है उस टाइप से आप ये चटनी जो है बना के खा सकते हैं। बहुत ही झटपट से बन जाती है और बहुत ही टेस्टी होती है। तो मेरा वीडियो जो है फ्रेंड एंड तक देखिए। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हमारी अगली नई रेसिपी में।